हो गई और आम कितने सारे गिरे हैं आप सब देख सकते हैं। ये देखिए कितने सारे आम गिरे हैं। उधर कुछ आम गिरे पड़े थे, उसको मैंने इकट्ठा करके वहीं पे रख दिया है। अभी सबको झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, बहुत ही बुरी हालत। हेलो, नमस्ते, प्रणाम, मैं विभाव सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिम्पी की दुनिया में। कहो कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं घर आ चुकी हूँ। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, मैं कल रात को घर आ गई थी। तो घर आते ही घर की जो कंडीशन है वो मैं आप सबको दिखा सकती हूँ। इतनी बुरी कंडीशन है कि मैं क्या बताऊँ। सुबह से मैं लगी हुई हूँ, पर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ का सामान कहाँ रख के कैसे कैसे साफ़ करूँ। बाहर भी गंदा, अंदर भी गंदा, क्योंकि इतनी ज़्यादा तूफान था, बारिश थी कि पूरा धूल अंदर आया हुआ है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरे रूम की हालत हो रखी है, क्योंकि मैं सब अलमारी अलमारी सब साफ़ करने वाली हूँ। इधर देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डस्ट, एकदम से किसी तरीके से थोड़ा सा साफ़ करके बेड को रात गुजार लिए थे इधर। और ये वाला हॉल तो मैंने अभी थोड़ा साफ़ कर दिया है, बाकी नीचे नीचे साफ़ कर दिया है। मैं इसमें पोछा लगाना है। आगे वाले हॉल की भी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और इधर आंगन की कंडीशन आप सब देख सकते हैं, ये देखिए कितना ज़्यादा एकदम से। उधर कुछ आम गिरे पड़े थे, उसको मैंने इकट्ठा करके वहीं पे रख दिया है। अभी सबको झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी, बहुत ही बुरी हालत हो रखी है घर की। तो इधर ये रहा शिवांश, इधर कुछ रात के खाने के बर्तन हैं वो पड़े हुए हैं, अभी धोने हैं। और ये शिवांश है। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट मैं काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बहुत जहाँ तक मुझे लग रहा है 2-3 तो बज ही जाएंगे पूरा घर साफ़ करने में, जाला वाला मार के झाड़ू पोछा करने में। हाँ, तो पापा को डालें। तो चलिए मैं फटाफट अपना काम निपटा के फिर आप लोगों से भी थोड़ी देर में मिलती हूँ, तब तक आप लोग भी एंजॉय करिए। तो शिवांश कोयल बन गया है और मेरी भी हालत देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो गई। साफ़ सफाई करते करते बहुत टाइम लगा। अब आंगन रह गया है, तो आंगन अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मौसम फिर ख़राब हो रहा है, पत्ते फिर से झड़ जाएंगे। तो देखती हूँ आंगन का क्या करना है। अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, थोड़े बर्तन है, बर्तन को धोऊँगी उसके बाद फिर नहाऊंगी। तो इतना करते करते इतना टाइम हो गया। पहले तो एक बार खाना वाना मैं नहाई तो हूँ, एक बार सुबह में नहा के पहले एक बार खाना वाना बनाई थी। तो एक बार सुबह नहा के मैंने खाना वाना बना दिया था ताकि ये लोग भूखे ना रहे। मैं नहीं खाई हूँ अभी, मैं सितुआ खाई हूँ। तो चलिए फटाफट निपटाती हूँ, पहले बर्तन निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ आंगन का, क्योंकि आंधी भी आ रही है फिर से और बारिश भी होने वाली है। एक आधा घंटा में शायद हो जाए, तो इसलिए फिर से मन डर रहा है आंगन साफ़ करने में। एक बार साफ़ करो फिर से उतने कचरा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मौसम साफ़ हो जाए फिर उसके बाद करूं। तो चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, शिवांश मेरा चिड़िया बन गया। वो खिलौने रखे हैं ना, तो ये चिड़िया बन गया, जिद कर रहा है मम्मी डाल दो, मैं चिड़िया बन गया। चलो मम रखा है वो उधर, शिवांश का मम रखा है, वो दिख रहा है देखो वो दिख गया। तो मैं एकदम बुरी तरीके से थक गई हूँ जब से आई हूँ तब से, कल रात में थोड़ा थोड़ा नीचे झाड़ू लगा ली थी, कहीं बैठने की जगह नहीं थी, इतना गंदा हो जाता है। घर बंद करके जाने में यही तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि तूफान बहुत ज़्यादा था ना, आंधी वांधी आ रही थी, इसके चक्कर में बहुत ही ज़्यादा हो गया था गंदा घर। तो अभी अंदर का तो हो गया है, बर्तन रह गया और आंगन रह गया। शिवांश का और रहा बुलडोजर, अपना चला रहा है। तो फ्रेंड्स, खाना खा के मैं आधा घंटे के लिए सो क्या गई थी, बस लेटी थी, नींद नहीं आई। तो अभी ऐसे लग रहा है मुझे जैसे बुखार हो गया है, मतलब पूरी शरीर टूट रही है। और ठंडा तो ऐसे मौसम ही है, ठंडा मौसम हो गया है, फिर भी और भी मुझे ठंड लग रही है। पंखा वंखा नहीं चलाई हूँ मैं कुछ भी। तो अभी सूर्य देव निकल गए हैं और अभी बारिश हुई, अब हो गई है धूप। तो मैं बर्तन नहीं धोई थी, आंगन नहीं साफ हुई, तो उसको साफ़ करती हूँ, पर मन नहीं कर रहा है करने का, क्योंकि बुखार जैसे लग रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। इतनी ज़्यादा थकान हो गई ना दिल्ली से, जब से हम लोग घर से निकले हैं कंटिन्यू चलना हो रहा है। दिल्ली में भी जैसे आप लोग वीडियो में देखे होंगे, पूरा कहाँ देखे, स्किप कर करके तो इंसान बनाता है, पूरी चीज़ें कहाँ दिखाता है, हमें इसमें कितना दौड़ भाग क्या किए वो सब तो नहीं बना पाए, वीडियो में नहीं डाल पाए। तो इसमें हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब दोपहर को 12 बजे हम लोग निकले थे, 12-1 बजे इसमें पहुँचे, 1 बजे से कंटिन्यू चलना, खड़े रहना, 6-6:30 बजे हम लोग निकले वहाँ से।
तो 6-7 बज गए थे निकलते निकलते। फिर आए रेलवे स्टेशन, गए एक जगह खाना खाए, फिर रेलवे स्टेशन पे बैठे। फिर कल जैसा कि आप लोग देख ही रहे हो वीडियो में कि कल जब से घर आए, घर इतना ख़राब गंदा मतलब हुआ था कि क्या बताए। घर आते ही फिर से साफ़ सफाई में लग गए और आज पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई में ही चला गया और अभी भी थोड़ा बहुत बचा ही है। तो चलिए अकेले हूँ तो धीरे धीरे सब कुछ कर रही हूँ। बीच में शिवांश को भी देखना, खाना भी बनाना, बहुत सारे काम होते हैं अकेले करने के लिए। तो चलिए मैं कर लेती हूँ, अब कुछ भी हो, बुखार हो या ना हो, काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा कोई है नहीं। तो चलिए मैं आंगन साफ कर लेती हूँ। देखिए आंगन की कंडीशन क्या बनी हुई है, देख सकते हैं उधर बहुत सारा पत्ता, उस तरफ तो और भी ज़्यादा है। एक आधा घंटा से कम तो लगने वाला नहीं है, पूरी नाली साफ करनी है बहुत। तो चलिए करते हैं, अब क्या करें। अभी मैं आ चुकी हूँ छत पे और छत की जो हालत है आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है छत की हालत, कुछ इस तरीके से पानी भरा हुआ है अभी भी छत पे, क्योंकि पत्ता इतना ज़्यादा गिर गया कि जहाँ से पानी निकलता है वो पूरा नाली जाम हो गई। और आम कितने सारे गिरे हैं आप सब देख सकते हैं, ये देखिए कितने सारे आम गिरे हैं, इधर भी इधर भी और उधर भी, चारों तरफ बस आम ही आम दिख रहे हैं। जितने सही आम थे उतने मैंने बिन लिए, बाकी आम बहुत ख़राब हो चुके हैं, कई दिन के गिरे हुए हैं तो पूरा ख़राब हो गया। जितना सही था उतना मैंने बिन लिया है और कुछ मैं लेके नहीं आई थी तो मैं इसमें ऐसे ले ली हूँ पल्लू में अपने। तो चलिए मैं चलती हूँ नीचे, टाइम भी थोड़ा अंधेरा होने लग पड़ा है, तो चलिए नीचे मिलती हूँ। तो फ्रेंड अभी बज रहे हैं रात के 10 और हम लोगों का खाना पीना हो गया है डन एकदम। हम लोग खा पी चुके हैं, अब जा रहे हैं सोने की तैयारी करें क्योंकि दिन भर तो बहुत ज़्यादा थके हैं, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे हैं कंटिन्यू। तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, अब जा रही हूँ सोने, दोपहर में भी नहीं सोई हूँ। ये महाराज जी तो सो लिए हैं, अब इनका कोई पता नहीं कि कितने बजे तक सोएंगे। कब तक सोओगे, हेलो कब तक सोना है? हाँ आज नहीं सोओगे, आज नहीं सोओगे, फिर क्या करोगे आज? छीरे छी, गंदी बात बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब सोते हैं। गंदी बात नो, छी बदबू, और भी पिस्तर पर बदबू आएगी, पिस्तर पे बदबू। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब करना न भूले, अपना ढेर सारा प्यार दे मुझे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।